देखिए मेरा नाम राकेश बजरंगी, मेरा नाम, हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो जिहादियों के खिलाफ था। ये जिहादी वो लोग जो हिंदू विरोधी हैं, जो हिंदुओं की यात्राओं के ऊपर हमले कर रहे हैं। आपको ख्याल होगा तीन चार दिन पहले बहरीच के अंदर एक शोभा यात्रा, जो दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा थी, उसके ऊपर हमला किया गया। उसमें गोपाल मिश्रा नाम के युवक को गोली मार दी गई। और इस प्रकार की घटनाएं केवल ये अकेली घटना नहीं, चाहे वो बंगाल हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आती हैं कि चाहे हम रामनवमी की यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे हनुमान जी के जन्मोत्सव की यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे हम दुर्गा पूजा की यात्रा निकाल रहे हैं, कोई ना कोई बहाना लेकर इन यात्राओं के ऊपर हमला करना इन उपद्रवियों की आदत बन चुकी है। और लगातार हम सरकार से ये मांग करते रहे कि इन उपद्रवियों को जो है इनके ऊपर सख्त कानून जो बनाने की जरूरत है, इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है, और इनको एक संदेश पूरे देश के अंदर देने की जरूरत है कि अगर कोई धार्मिक यात्राओं के ऊपर हमला करेगा तो उसका क्या हर्ष होगा। इस प्रकार का एक जो है मैसेज जो है वो समाज के अंदर देने की जरूरत है। लेकिन कुछ नहीं, जो नेता विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, उसके साथ ही प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, आज चुप बैठे क्योंकि मरने वाला तो हिंदू था ना, तो किस लिए बोलेंगे? हिंदुओं के लिए इनके मुंह में दही जम जाता है, ये कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि मरने वाला हिंदू था। अगर इसके उलट होता तो ये सड़कों के ऊपर होते, उनको घरों में जबरदस्ती जाने की कोशिश करते, उनको भड़काने का काम करते, और ये कुछ न किसी तरीके से राजनीति करते। इलेक्शन आती है, अपने चुनाव दिखाते हैं, अपने टीके दिखाते हैं, और टीके दिखाने के बाद हिंदू बन जाते हैं, सो कॉल्ड हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, और जब इलेक्शन खत्म तो ये जिहादियों के पीछे जाकर उनके ऊपर हाथ रखते हैं कि करो जिहाद। और जो कश्मीर के नेता हैं, जो हिजबुल्ला के लिए अपनी कंपेनिंग जो है सस्पेंड कर रहे थे, जो फिलिस्तीन, इसराइल, सूडान, सीरिया जैसे आतंकवादी देशों के लिए खड़े थे, आज वो कोई नहीं। आज वो हिंदू के लिए क्यों बोलेंगे? जो लोग आज ओथ लिए, जिन्होंने सरकार बनाई है, जो हिंदू विरोधी रहे हैं, जो पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, जो पत्थरबाजों को छोड़ने की बात करते हैं, वो लोग भी इसके ऊपर कोई जो है वो नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए हमारी इनको भी चेतावनी है वो।